तो गाइस एक बार हम फिर से अपनी किचन की तरफ आ चुके हैं और सबकी फरमाइश बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्की। तो ये फटाफट से बन जाएगी और इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने आलू को बॉईल करके इस तरह से कद्दूकस करके ऐसे टिक्कियों के शेप दे दिया है और एक साइड हमारी मटर भी बिल्कुल गल चुकी है, अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो चलें अब हम टिक्कियों को फ्राई कर लेते हैं। एक साइड हमने तवा रख दिया है ऑयल डाल के, वो अच्छे से हीट हो चुका है और अब हम टिक्कियों को एक एक करके डाल देंगे। देखें कितना अच्छा कलर आया है, हमें दोनों साइड से इसको बिल्कुल ऐसे ही फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमारी टिक्की जो है वो दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी है। लास्ट में हम इसको थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे ताकि अंदर तक फ्राई हो जाए और एक बार फिर से हम इसको पलट देंगे। तो ये देखिए हमारी टिक्कियां जो है वो दोनों तरफ से बहुत अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, ना कोई नमक ना कोई मसाले, ये प्लेन आलू है। और अभी हम डालेंगे इसमें ऊपर से मसाले जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए पहले इसको निकाल लेती हूँ। तो ये हमने टिक्कियों को प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इस पे ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी मटर। अब हम ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। एक बार फिर से ऊपर से डालेंगे चाट मसाला। तो हमने ऊपर से ऐड कर दिया थोड़ा सा दही जो कि चाट और टिक्कियों की जान होती है। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें इमली और गुड़ की चटनी, मीठी चटनी, मीठी चटनी इमली और गुड़ की। इसके बिना तो कोई टिक्की कोई चाट सारी अधूरी होती है, दही और चटनी के बिना। तो हम इसको जरूर ऐड करेंगे। इसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी धनिया और पुदीना की हरी चटनी। ऊपर से एक चुटकी चाट मसाला हम थोड़ा सा और डाल लेंगे, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। तो ये देखिए बनकर तैयार है हमारी झटपट से आलू मटर की टिक्की। आप भी जरूर ट्राई करें और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।